वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज तो अभी सुबह हम लेट हो चुके हैं, हम निकल रहे हैं अभी जमशेदपुर के लिए। हमारी फ़्लाइट अभी 1:15 बजे है और हमने सोचा था कि थोड़े जल्दी निकल जाएंगे, बट अभी थोड़ा टाइम लग गया, रेडी होने में टाइम लग गया, थोड़ा पैकिंग वगैरह कुछ नहीं किया था, तो अभी सारा पैकिंग रह गया। तो अभी टाइम हो रहे हैं 10:30, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट कर लेंगे उस पर चले जाएंगे। हमारे साथ एक बंदा था, वो हमको बुला रहा था, बट उसकी वजह हमारे वजह से वो लेट गया था, इसीलिए हमने उसको जाने दिया। हम अभी कैब करके खुद पहुँच जाएंगे। तो अभी निकल पड़े हैं हम लोग, घर से तो निकल गए हैं, अभी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और कैब भी बुक करनी है। अभी कैब बुक करते हैं, चलते एयरपोर्ट की तरफ। तो फाइनली अभी पहुंच रहे हैं टर्मिनल 2, जहां से हमारी फ्लाइट डिपार्ट होगी। तो एक्चुअली मैं थोड़ा डर गया था, मेरे को लगा था कि टाइम पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 12:45 की फ़्लाइट है और 30 मिनट्स प्रायर गेट क्लोज़ हो जाएगा बोर्डिंग का, बट हमने वो पास तो बना दिया अपना, वेब चेक इन कर लिया हमने, तो हम डायरेक्टली जाएंगे अपने दोस्तों के पास। थोड़ा लेट हो गया था बट अभी पहुँचे नहीं है, थोड़ा सा टाइम भी और है। तो आप तो यही भागना पड़ेगा जल्दी से भाग नहीं तो ठीक है, रुक दीजिए। बहुत चुके लेट, क्योंकि घर वाली में काम करना पड़ेगा, वही हमें पीछे रोक दिया थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू। तो अभी हो गया लेट, हम लोग फटाफट भागते हैं यहाँ से। अभी मेरे साथ एक बड़ा सीन हो गया, मैं अभी एस्केलेटर से नीचे उतर रहा था, तो क्या वो हाथ से फ़ोन भी छूट गया और बैग भी छूट गया, लिटरली स्लाइड करते हुए बंदे के पैर में जाके लगा, उसने आकर रोक दिया, अदरवाइज उसके आगे किसी लग जाता, अनकंट्रोलेबल नहीं होता। तो मेरी सजेशन ये है कि जब भी आओ फ्लाइट में तो इतना टाइम लेगा ताकि हड़बड़ी का अवॉइड कर सके। और ये आखिरी बस है जो मेरे फ्लाइट में जा रही है। वैसे आज मिस करना रिकॉर्ड करा, फिर उसके बाद हाँ बंद है वो, बंद करो इस चावल को गर्म पानी में दे दिया डाल के, हमारी बिरयानी है और इनके हिसाब से डिसाइड हुआ कि क्या खाना है। मेरा मन तो पनीर सैंडविच का था पर ये इंसान खा गया, पनीर सैंडविच बोला ये इंसान खा गया और मेरे को मिला ये। आयल पे बैठने का फायदा हुआ, आयल पे बैठने का फायदा हो गया। ब्रो, यू वेरी चालाक चालाक ब्रो, चालाक। खड़े नहीं हो रहे क्योंकि फायदा नहीं, खड़े हो गए ये भाई लाइन में, खड़े रहना धक्के खाने के लिए, बट लाइन लगी हुई है लेकिन। फोटो क्या वीडियो बना देते हैं, वीडियो बना रही है, फोटो लेना है, हम वीडियो बना देते हैं। अभिषेक सर आप अपने कैमरे, अभिषेक सर के पास है ना, अच्छा फोन छोटा सा, इनके लिए चलते लेने के लिए। कौन थे गाड़ी आ गई, शायद यही है 7 9 7 6 0, हाँ यही है शायद, यही है। चलो तो अभी गाड़ी हम बैठ चुके हैं
भैया के सर सर्विस एकदम फास्ट है, वेट नहीं करना पड़ा, दो मिनट भी नहीं अपने को ना, जल्दी जल्दी आ गए। सही है, कितना टाइम लगता है यहाँ से भैया? 2 घंटे सर। अच्छा भैया, अगर लंच बीच में कहीं जाना हो तो कहाँ कर सकते हैं? हाईवे में ढाबा सब है सर, है अच्छे से कोई देख लेंगे हम। अच्छा है, कोई बढ़िया जहाँ खाना बढ़िया होगा। वो कितना दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जी। और गेस्ट हाउस कितना दूर है? वो आपको पड़ जाएगा 135 किलोमीटर। 135? क्या वैसे सोच रहे क्या, रांची से जमशेदपुर 3 घंटे लगते हैं? हाँ भाई, 2 घंटे कह रहा है, अब वो पहुँचा देंगे ना। हाँ नहीं, अब तो ठीक है, चला देंगे वैसे। बट हाँ, ऐसी जमीन है, कोई खरीद भी नहीं सकता। अच्छा अच्छा, जंगल होंगे पहले अभी। और कोई आदिवासी अगर किसी को गोद ले ले तो? हाँ वैसे ही अब आदमी खरीद के बना रहा है गोदे लेके। मॉडर्न प्लांट है भाई। अरे आधुनिक ने तो बड़ा निकाला हुआ है। क्या बना रहे हैं? ये तो पावर प्लांट भी है, DRI भी लगा हुआ है, स्टील भी बनाते हैं। अरे अरे भाई, गेस्ट हाउस, ये गेस्ट हाउस तो पहुंच गए हैं, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है। हाँ मेरे पास है ना, चेक इन कर रहे हैं माटा सर अंदर बैठ के भी। अच्छा चश्मा बदल दिया। अच्छा लेंस वाला था क्या? हाँ सही है सही है, लेंस वाला मेरे को बनाना पड़ेगा एक। भैया टाइटन आई में जाओ, 10% डिस्काउंट भी पाओ। है 10% में क्या, 10% में क्या होगा, 2000 से 200 रुपये मिलेगा, 200 रुपये कम पड़ने के लेंस भी नहीं पड़ते। नहीं ये पड़ेगा ना शेड वाले, तो पास तक का ये लेना है। हाँ। प्रेम वगैरह रेबन वगैरह में नहीं जाना। अच्छा, क्योंकि तुम्हारे जो ग्लासेस हैं वो तुमको यही वाले यूज कर, वो तुम्हारे चेंज हो जाने हैं, तो रेबन वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये तो है। हाँ एग्जैक्टली वो तो। दिस इज योर रूम फॉर द डे, फॉर टुडे एंड टुमारो। रूम इज साइज इज डिसेंट इनफ, सब कुछ दे रखा है, टीवी चेयर। ग्राउंड फ्लोर में अपना ये बाथरूम रहा, बाथरूम की लाइट कहाँ चल गई, लाइट आई किस बाहर से। तो ये रहे अभी तक के, हाथ धो लेते हैं उसके बाद कुछ खा लेते हैं, ऑर्डर कुछ दे दिए। देखो फायदा लोगों का, मैगी आ गई, हम लोग अंडा मैगी के चक्कर में बैठे रहे और ये बढ़िया मैगी खा रहे हैं। अब जब तक हमारा आएगा तब तक खत्म नहीं हो जाएगा इनका। हाँ अरे बेचारे भूखे होके बैठे, कब आएगा। अब भूख लग रही है वैसे जाने से ना, बहुत उस टाइम नहीं लग रही थी, दिन में भी खा लिया था। सर दर्द की दवाई चाहिए। मैं तो कितने 10 बजे तो मैं खाना खाया था, उसके बाद फिर वहाँ पर भी कुछ खाया था। अभी चलते हैं, कुछ नया दिखाते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ आएगा तो दिखेगा, तो देखते थोड़ा एक्सप्लोर करते जगह को। बंदे रेडी हो गए, एक किलो देर लगाएगा, टाइम कितना लगेगा? टाइम ट्रैफिक का टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 20 मिनट। इसके ब्लॉक चालू हो गए यार। मार्केट है, क्राउड है यहाँ पे ना, वैसे मार्केट है, क्राउड बहुत है, पर वो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। अरे फोन तो नहीं जीत रहे, ब्लॉग बनाते फोन जीत लिया, कंटेंट चलेगा सारा। मॉल भी आ गया। हाँ अब तो बस पक्का यहीं पे रहना है। बड़ा सही मॉल है तो ये अच्छा है, पर बड़ा है काफी, बड़ा है जब हिसाब से तो ठीक है, मॉल नहीं काफी बड़ा है यार। सर्टिफाई कर दिया मैंने, सर्टिफाई कर दिया। अरे अभी कोचिंग ने मेरे को बहुत कन्विंस कर दिया यार, तो अभी हमने थोड़ा यहाँ घूम लिया है मार्केट, कुछ खास नहीं है, कुछ नई जगह देखनी, और वैसे भी रात हो गए तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो अभी हम वापस जा रहे हैं।
हम आ तो गए थे पर पता नहीं वापस कहाँ जाना कोई जगह के नाम नहीं पता निकल गए इस जगह का नाम टीजीएस है जगह का नाम इसीलिए अरे वो है पर जगह नहीं पता मुझे सही बात है जो कंपनी है ना उसी के बगल में आपका होगा भैया हम तो आज ही आए कौन सी कंपनी अरे ये उसकी उषा मार्टिन के बगल में टाटा कंपनी तो है टाटा का ही है वो अरे चलिए उषा मार्टिन के बगल हाँ बस वही वही उषा मार्टिन के पास में बगल में नहीं है उषा मार्टिन उषा मार्टिन के अंदर जाके ना राइट साइड होते जाए उषा मार्टिन का अंदर जाके जहाँ रुके थे ना लेफ्ट साइड अंदर जाके उषा मार्टिन का रोड से राइट साइड उषा मार्टिन के अंदर हाँ हमारा राइट साइड हाँ रोड में उतारना है अभी आ गए हम अपने गेस्ट हाउस में चलते हैं यहाँ पे खाने का देख लेते हैं यहाँ पे खाने का तो पहले से बोल दिया चलो तो खाना खाते हैं तो अभी हम आ चुके हैं थोड़ा घूम के उसके बाद हमने डिनर कर लिया सर ने तो बढ़िया चिकन पेल लिया हम तो वेज वाले लोग हैं अनुज भाई भी है वेज वाले वैसे नहीं वेज वेज खाना पड़ा कुछ बाहर का कुछ सीन है तो अभी थोड़ा निकले हैं यहाँ पे देखते हैं एरिया कैसा है कुछ बोल रहे थे कि क्लब वगैरह यहाँ पे देखते हैं कैसा है और उसके बाद जाते सो जाते हैं कल जल्दी उठना पड़ेगा 8 बजे कैब हो जाएगी तो अभी के लिए ब्लॉग इतना रखते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग टिल हेयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गुड नाइट